सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्रेम की अगर कहीं बात की जाए, प्रेम का कहीं एग्जाम्पल दिया जाए, तो गोपियां और कृष्ण के प्रेम के अलावा हमें दूसरा प्रेम कहीं मिलता नहीं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूं आपका आशीष सर। वर्कशीट नंबर 73, 30 दिसंबर, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी और रसखान के सवैये आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को पूरा होने के बाद जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण की मुस्कान की बात की गई है कि कृष्ण की मुस्कान घायल कर देने वाली है और गोपियां सब कुछ भूल जाती हैं कृष्ण की मुस्कान को देख करके। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसे गाने की भी कोशिश करेंगे। इसके लास्ट में कृष्ण क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं और मुरली की तार उनकी घायल कर देने वाली है। गोपी कहती है कि काननी दे अंगुरी रही बो, मैं कानों में रख दूंगी, लगा लूंगी अंगुली, रही बो लगाऊंगी कि मैं अपने कानों में उंगली लगा लूंगी, जब ही मुरली धुनी मंद बजे, जब कान्हा अपनी मुरली की धुनी मंद मंद बजाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं कंट्रोल कर लूंगी अपने आप को। और दूसरा है कि मोहनी ताननी सो रस खानी, मोहनी यानी कि सुंदर, बहुत ही मधुर तान मतलब धुन को जब गाएंगे। रसखान जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मोहनी मधुर तान से अटाचड़ यानी कि पहाड़ पे चढ़ करके गोधनी यानी कि ब्रज का लोकगीत गाएंगे तो गाता रहे। कहने के एक बार और समझ लेते हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली से मंद धुनी बजाएंगे तो मैं कान में उंगली डाल लूंगी, जब कृष्ण अपनी मीठी मीठी आवाज में ब्रज का लोकगीत गाएंगे पहाड़ पे चढ़कर तो गाता रहे, मैं कान में उंगली डाल लूंगी तो ना ही मैं धुनी मुरली की मंद धुनी सुनूंगी और ना ही मैं कृष्ण का गाया हुआ वो गोधन सुनूंगी, मैं कंट्रोल कर लूंगी। कहने का ये मतलब है कि तेरे कहो सिगरे ब्रिग लोगों ने, तेरे यानी कि आवाज लगाना, बहुत तेज आवाज, कहो कहें जब सिगरे मतलब सारे ब्रिग लोगों ने, सारे ब्रिज के लोग अगर आवाज लगाएं मुझे काली, चाहे को कितनों समझे, चाहे मुझे कोई कितना भी समझा ले मैं इतना सब कुछ कंट्रोल तो कर लूंगी, लेकिन मायरी वाह मुख की मुस्कानी, लेकिन मायरी वाह मतलब ओ माय गॉड, जैसे हे माँ कहते हैं हम, तो उसी तरह से यहाँ पर मायरी है कि वाह मतलब कृष्ण की, वाह मतलब उसकी मुख की मुस्कानी, उसकी मुख की स्माइल, चेहरे की स्माइल अगर वो कर दे कृष्ण तो मैं अपने आप को संभारी न जे हे न जे हे न जे हे। तो कहने का ये मतलब है कि गोपियां कृष्ण के हर एक अंदाज पे पागल होती हैं लेकिन उसे संभाल लेंगी, लेकिन जब कृष्ण मुस्कान अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर दे तो गोपियां लाज शर्म छोड़ कर के सब कुछ घरवार छोड़ कर के वो कृष्ण की तरफ खींची चली आती हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। और इसके 3-4 हमारे पास प्रश्न हैं, उनको देखते हैं और प्रश्नों के बाद हम इसे गाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर। तो पहला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या नहीं करना चाहती है, क्या क्या नहीं करना चाहती है। तो गोपियां जो है प्रस्तुत पद्यांश में वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वो मुरली की मंद आवाज और गीत नहीं सुनना चाहती है। वो इन सब पे कंट्रोल कर लेंगी, यानी कि कृष्ण जब मुरली की मंद धुनी बजाएंगे और गीत गाएंगे लोकगीत, तो वो नहीं सुनना चाहेंगी, यानी कि वो कंट्रोल कर लेंगी। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रश्न है आपके लिए कि गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तो आखिर वो बचना क्यों चाहती है, तो चलिए बचने के लिए हमारा दूसरा आंसर है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि जो सभी को घायल कर जाती है और खासकर गोपियों को। कृष्ण की मंद मुस्कान देखकर गोपियां अपने आप को वश में नहीं कर पाती, अपने वश में भी नहीं रह पाती हैं, इसीलिए वह श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती हैं, क्योंकि वो लाज शर्म छोड़ करके फिर कृष्ण की तरफ खींची चली आती हैं, इसलिए वो कृष्ण की मुस्कान को नहीं देखना चाहती हैं। तीसरा सवाल कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव आपने स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों में रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो चलिए इसका तीसरे का आंसर देखते हैं। इन पंक्तियों में रसखान जी ने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को घायल कर देने वाली बताया, क्लियर है।
श्री कृष्ण की प्यारी सी मुस्कान के आगे सभी गोपियां अपने आप को बेबस समझती हैं, जिसके कारण वे अपने आप को संभाल नहीं पाती है। सारी लाज शर्म छोड़ कर के वो कृष्ण की तरफ खींची चली आती है। तो ये है आपके लिए तीसरा सवाल कि वो क्या कहना चाहते हैं इस कृष्ण की मुस्कान पे। और जो चौथा सवाल है कि उस पंक्ति का नाम आपने बताना है, लिखना है, जिस पंक्ति में रसखान का नाम आया है। तो चलिए इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे, बहुत आसान है। रसखानी को आप अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पर। और मोहनी तानिनी सो रसखानी अटाचड़ी गोदन गेहे तो गेहे, तो यहाँ पर जो रसखान शब्द है उसे आप अंडरलाइन कर दोगे ताकि वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आप इसका आंसर लिख रहे हो। और सबसे अंतिम जो प्रश्न है वो है आपके लिए, ये कुछ शब्द यहाँ पर आए हुए हैं और इन शब्दों के आपने क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं कि आखिर उन शब्दों के अर्थ आप क्या समझ पाए। तो यहाँ पर ये करीब करीब 18 शब्द हैं, तो इन 18 शब्दों के अर्थ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप एक कॉलम शब्द का बनाएंगे, दूसरा अर्थ का बनाएंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसे सुंदर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो पहला शब्द है काननी, तो काननी का मतलब होता है कानों में, ठीक है। तो आपने ये ब्रिज के अकॉर्डिंग बताना है कि आपने ब्रिज के अकॉर्डिंग आप इसमें किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। मोहनी यानी कि मधुर या मोहक, सुंदर। काली का मतलब होता है चाहे। दे का मतलब होता है देकर या लगाकर, है ना। और गेहे, गेहे का मतलब गाएं या गाएंगी या गाएगा। वाह, वाह का मतलब होता है वह, लेकिन ये इस सवैया में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वाह मुस्कान, यानी कि कृष्ण की मुस्कान। और अगला देखते हैं, अगले 6 को लेते हैं। और ये है हमारे पास तानन, तो तानन का मतलब होता है आवाज या तान, धुन। समझे ही का मतलब होता है समझाना। अंगुरी, अंगुरी यानी कि उंगली। और रहीबो का मतलब होता है रखना या लगाना। गोधन, तो गोधन क्या है, ये एक लोकगीत है, पूरा आप लिखेंगे इसे। ये लोकगीत है जो कि ब्रिज का है और ब्रिज में ये गाया जाता है। मायरी, मायरी यानी कि हे माँ, और अंग्रेजी में कहते ओ एम जी यानी कि ओ माई गॉड। तो ये मायरी क्या है, ओ एम जी है इंग्लिश का। और अगला देखते हैं, ये है धुनी। धुनी मतलब होता है धुन या आवाज। तेरी यानी कि बुलाना, और बुलाने की जगह अगर हिसाब ये लिख दे आवाज लगाना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जोर से आवाज लगाना। तो टेरी कहना होता है जोर से आवाज लगाना। संभारी यानी कि संभालना। बजे हैं यानी कि बजाना। सिगरे यानी कि सभी या सारे या पूरे। नजे ही मतलब नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट, कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम गाने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। कि कानन दे अंगुरी रहिबो जब हिद मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है, तेरे कहो शिग्र ब्रिग लोगनी काली को कितनो समझे है, मायरी वामुख की मुस्कानी संभारी नजे नजे नजे। धन्यवाद।